तो हेलो गाइस, मैं हूं लीतू और आज हम लोग जा रहे हैं नेवरी पारा नवा गांव के स्कूल, जहां हम लोग को नेता भोज के लिए बुलाया गया है। और वहां जाने के पीछे का रीज़न थोड़ा लंबा है बट बहुत अच्छा है। बोलना वो यूट्यूब चालू करके बोलना कि तो गाइस हम लोग आज जा रहे हैं नेवरी नवा नेवरी नवा पारा मैम के स्कूल सम्मान में सम्मान नेवता भोज का। तो हमन पापड़ खाते हुए का वाला नया ढर्रा पुराना वाला नहीं एक दूध बनाते हैं वेदिका स्टार्ट है। मेरे गला पूरा खराब है। हां तो गला को दबा दे उसको दबा वंदना। और ये रहे हमारी टीम के कुछ बंदे लोग जो बाइक से जा रहे हैं स्कूल। गला भी छील गया है कर रहे जंगल के रास्ते से स्कूल जाते हुए रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लग गई थी। तो हम लोग एक घर के पास थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, पानी के रुकने का वेट कर रहे थे ताकि हम लोग बिना भीगे स्कूल पहुंच जाएं। बट काफ़ी सारे लोग हमारे फ्रेंड थे जो भीग चुके थे एंड फाइनली हम लोग स्कूल पहुँच गए हैं। अभी तक बुढ़िया आ रहे हैं। बुढ़िया आ रही है। आओ तुमन हाय तो कैसे करा यार। तो यार बच्चे लोग हुए हैं, देख हम ऊपर हैं। वाह हम नमूना दिख रहे हैं ना। स्कूल पहुंचने के बाद हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे तो सारे लोग थे, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि पवार मैम का सम्मान समारोह हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ हम लोग नेता भोज के लिए बुलाया गया था। तो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने डांस परफॉर्मेंस दिया, फिर हमारा कठपुतली का डांस हुआ। उसके बाद हम लोगों का एक नुक्कड़ नाटक था जिसको पवार मैम द्वारा हमें सिखाया गया था। सुभाष सर, राठौर सर, नेता मैडम आइए ना, बैग दे दो बच्चों। फोर्टी मैडम, दुबे मैडम आओ ना। स्कूल में पवार मैम के द्वारा बच्चों को बैग वितरण कराया गया। सारे बच्चे बैग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उनको खुश देखकर हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये रे वाला, ये हम लोग की कमाई, ये हम लोग की कमाई, ये तो यही चीज़ सारी कमाई है। अरे कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात हमें भोजन ग्रहण करना था, तो हम लोगों ने लाइन से भोजन ग्रहण करने के लिए बैठा दिया गया। हमको काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी थी, फिर हम लोगों ने फटाफट से भोजन ग्रहण किया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बना था, हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ। फिर सारे बच्चे लोगों को भी खाना खिलाया गया, हम लोग फिर बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए फिर हम लोगों ने खाना परोसना शुरू कर दिया। और अब हमारा स्कूल से घर जाने का समय हो गया था, तो हम लोगों ने फटाफट से बच्चों के साथ फ़ोटोशूट कराया। फिर फ़ोटोशूट कराने के बाद फिर हम लोग भी अपने घर को निकल गए। हमें बहुत अच्छा लगा। और अब मैं बताना चाहती हूँ कि हम इस स्कूल में नेवता भोज के लिए क्यों आए थे। हमारी पवार मैम पहले इसी स्कूल में पढ़ाती थी, जहाँ इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, जिसकी वजह से पवार मैम को राज्यपाल पुरस्कार मिला है। इस वजह से स्कूल वालों ने पवार मैम को नेवता भोज के लिए बुलाया था, साथ ही साथ उनकी टीम को भी। तो हम पवार मैम की टीम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम लोग भी नेवरी पारा स्कूल में सादर आमंत्रित थे।